हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो अगेन मैं आ गई हूँ वीडियो लेकर के, और आज की जो वीडियो ये फैशन वीडियो है जो कि मैं बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ, बिकॉज यू नो माहौल ही चल रहा है कि यू नो फैशन वीडियो करने का मन ही नहीं करता है। बट नाउ टुडे आई थॉट, क्योंकि यू नो जब भी आप फैशनेबल कपड़े पहनते हो या कुछ इस तरीके के बारे में सोचते हो तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। जो मैंने काफ़ी टाइम पहले सोच रखा था बट मैं इसको नहीं बना पा रही थी, तो आई थॉट क्यों ना आज बनाया जाए और आप सबके साथ शेयर किया जाए। जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आप अपने दुपट्टे को रीयूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टू मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो गाइज, हम सभी के पास एक ऐसा दुपट्टा ज़रूर होता है जो हम सबका फेवरेट होता है, और यू नो कुर्ती पुरानी हो जाती है, सूट पुराने हो जाते हैं, बट हम उस दुपट्टे को नहीं फेंकना चाहते, उसको हम यूज़ करते रहते हैं अगेन। सो पहला तो तरीका है कि हम उसको डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट के साथ मिक्स एंड मैच करते हैं। लाइक अगर आपके पास रेड कलर का दुपट्टा है तो आप उसको ब्लैक कलर की कुर्ती के साथ, मल्टी कलर की कुर्ती के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बेज कलर की कुर्ती के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। सो गाइस, पहला तरीका तो ये है जो हम सब अपनी लाइफ में करते ही हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो भी आपके पास दुपट्टा है कोई, तो गाइस लाइक ये मेरे पास एक मल्टी कलर कुर्ता है, ये येलो कलर की कुर्ती का दुपट्टा है, बट इसमें जो है येलो के साथ साथ आप देख सकते हैं रेड, ग्रीन, ऑरेंज, तो ये एक तरीके से मल्टी कलर दुपट्टा हो गया जो कि मेरे बहुत सारे आउटफिट के साथ ईजिली मिक्स एंड मैच हो जाता है। सो कोई भी यू नो इस तरीके का सूट, तो ऑलमोस्ट ये हर तरीके के सूट पे इजीली मिक्स एंड मैच हो जाता है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई मल्टी कलर दुपट्टा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल भी उसको बिल्कुल इन्वेस्ट मत करिए इसको, बल्कि हमेशा संभाल के रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है इस तरीके का दुपट्टा। इसके अलावा जो सेकेंड थिंग है वो है कि आप दुपट्टे से ब्लाउज बनवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई बहुत प्यारा सा दुपट्टा है और उसका यू नो लेंथ और विड्थ अच्छी है तो आप उसका एक ब्यूटीफुल सा ब्लाउज बनवा सकते हैं, क्योंकि आजकल कंट्रास्ट ब्लाउज़ का ज़्यादा फैशन है और हम डिफरेंट डिफरेंट साड़ीज़ के साथ डिफरेंट ब्लाउजेस को स्टाइल करते हैं। सो इस तरीके से आप अपने किसी फैब्रिक दुपट्टे से ब्लाउज भी स्टिच करवा सकती हैं। लाइक मेरे पास ये अगेन नेट का दुपट्टा है, तो मैं चाहूँ तो अपनी नेट की स्लीव्स वगैरह जो है वो अपने ब्लाउजेस में इस तरीके के दुपट्टे से लगवा सकती हूँ। सो इस तरीके से आप अपने दुपट्टे को रीस्टाइल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक ही दुपट्टा ले लेकर के काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके रहते हैं और हमें लगता है कि अब हमें ये दुपट्टा नहीं यूज़ करना चाहिए। सो उस टाइम पे, और अब वो आपका फेवरेट दुपट्टा होता है, आप उसको हटाना भी नहीं चाहते हैं, सो इन केस आपको इस तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए कि आप उसका ब्लाउज बनवा सकते हैं या फिर आप कुर्ती बनवा सकते हैं। अगर आपकी दुपट्टे की लेंथ और विड्थ काफ़ी अच्छी है तो आप उसकी कुर्ती भी बनवा सकते हैं, शॉर्ट कुर्ती, पंजाबी कुर्ती जो होती है शॉर्ट कुर्ती, वो बहुत ही अच्छा लुक दुपट्टे से निकल के आ जाता है। अगर आपके पास कोई एक अच्छा फैब्रिक वाला दुपट्टा है तो आप उसको ज़रूर इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। अगेन जो ये नेट के दुपट्टे होते हैं ना गाइस, बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ और विड्थ छोटी होती है। सो इसका मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक केप बनवाया था जिसको कि आप ब्लाउज़ के ऊपर, टॉप के ऊपर, सूट के ऊपर पहन करके डिफरेंट लुक निकाल सकते हैं। सो वो मुझे मिल नहीं रहा है फिलहाल, लेकिन इसी तरीके का वो दुपट्टा था जिसका मैंने बनवाया था, और जिसकी लेंथ और विड्थ कम होगी ना उस दुपट्टे से आसानी से आपका केप बन जाएगा। लेकिन मैंने जो दुपट्टा बनवाया था उसके किनारे पे जैसे इसमें लेस लगा हुआ है उसमें कुछ और पैटर्न था। इसके अलावा आप अलग से लेस वगैरह लगवा के ना आप केप बनवा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है आपके यू नो किसी भी आउटफिट की को एकदम डिफरेंट लुक दे देता है, चाहे आप सूट के साथ पहन रहे हैं, कुर्ती के साथ पहन रहे हैं या फिर ब्लाउज के साथ पहन रहे हैं। सो इस तरीके का दुपट्टा ऑलमोस्ट हम सभी के पास होता है, हम सब इसको ले लेकर के बोर हो चुके हैं, तो आप इस तरीके से इसको रीयूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो काम होती है ना वो दुपट्टा लेने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, सो मैं उनको उस तरीके से रीस्टाइल कर लेती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में मैं बताने वाली हूँ उसको बहुत ही यूनिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आजकल लेयरिंग कुर्ती का बहुत ज़्यादा फैशन इन है, और यू नो कुर्ता हम प्लेन पहन करके बोर हो चुके, तो अगर मेरे पास कोई ऐसा दुपट्टा है तो अपने टेलर से कह के आप उस कुर्ते में लेयरिंग करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने इस कुर्ते में करवाया है। सो ये देख रहे हैं आप, एक अलग से दुपट्टा है जिसको कि मैंने लेयरिंग करवाई है आगे और पीछे दोनों तरफ से। अब केवल आगे से भी करवा सकते हैं लुक लाने के लिए, और केवल पीछे से भी, और अलग से इसमें कोई बहुत ज़्यादा यू नो कोई फैब्रिक नहीं लगा है, और ये दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, बहुत लाइट वेट है। तो इस तरीके से मैंने इसको, और मैंने इसको बहुत कम यूज़ किया था तो बिल्कुल नए जैसा ही था। सो इसकी लेयरिंग आप इस तरीके से अपने कुर्ते में करवा सकते हैं। सो ये एक बहुत ही यूनिक तरीका, आप देख सकते हैं अब इस कुर्ते को मैं डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ, प्लेन कुर्ती से ये लेयरिंग वाली कुर्ती बन चुकी है।
गाइस ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने दुपट्टे को रीयूज़ कर सकते हैं और एक नया लुक आपके कुर्ते को भी मिल जाता है। इसके साथ ही मेरे पास एक दुपट्टा है जिसका कि मैंने बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन किया है, विच इज़ मैंने स्कर्ट बनवाई है उसकी। मेरे पास एक फुलकारी का दुपट्टा था जो कि मेरी शादी के टाइम का, बहुत ज़्यादा हैवी था ये, क्योंकि मैं अक्सर जो है दुपट्टा वो एक साइड ही लेना प्रेफर करती हूँ। इतना ज़्यादा हैवी होने की वजह से मेरे शोल्डर में अक्सर पेन होने लगता था और बहुत बार ले चुकी थी, बोर हो चुकी थी, बट दुपट्टा इतना खूबसूरत है ना, आप देख सकते हैं कि मैं इसको नो अपने वार्डरोब से हटाना नहीं चाह रही थी। और बहुत अच्छी इसकी लेंथ और विड्थ थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करूँ। सो मैंने अपने टेलर को बोला स्कर्ट बनाने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि दुपट्टे का फैब्रिक बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो बहुत लोग घेर वाली स्कर्ट नहीं बन पाती, बट ए लाइन स्कर्ट तो बन ही जाती। सो मैंने भी उनको वही ऑप्शन दिया और मैं नहीं चाहती थी कि अलग से इसमें कोई भी फैब्रिक ऐड करूं ताकि इसका लुक ख़राब हो। तो मुझे मेरे टेलर ने ऑप्शन दिया कि आप इसकी कुर्ती बनवा सकती हैं, कुर्ती बहुत ही अच्छी बन जाएगी, ब्लाउज़ बनवा सकती हैं, बट मुझे जो है इसको स्कर्ट ही बनवाना था और मैं चाहती थी कि लेंथ भी कम ना हो। सो आप भी अपने टेलर से इस तरीके से स्कर्ट बनवा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक है इस स्कर्ट का, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें अलग से कुछ भी नहीं लगवाया है, अंदर से बस ये एक लेस लगी है, जॉर्जेट का कपड़ा है, अंदर से बस इसमें जॉर्जेट का कपड़ा लगा है और ऊपर उन्होंने ये कर दिया है ताकि नीचे से कम ना हो। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत स्कर्ट निकल के आया है। सो अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई दुपट्टा है तो आप उससे आसानी से ये स्कर्ट वगैरह में लुक बहुत अच्छे से आता है। और ये मेरा पूरा दुपट्टा जो है ना यूटिलाइज़ हो गया, और अदरवाइज़ मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ, कुर्ती बनवाती हूँ तो शायद कुछ फैब्रिक निकल जाते, बट इससे मेरा एक भी फैब्रिक नहीं निकला और बहुत अच्छा ही लुक निकल गया। और मैं इसको इस स्कर्ट को मैं जो है वो क्रॉप टॉप और ब्लाउजेज़ के साथ आसानी से मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ, और साथ ही साथ मेरे पास इसमें का कुर्ता भी है तो उसको भी मैं स्टाइल कर लेती हूँ। एंड आई एम सर्चिंग अ दुपट्टा जो इसके साथ अच्छा मिक्स एंड मैच हो, थोड़ा सा प्लेन में हो, हल्का सा कुछ वर्क हो या फुलकारी वर्क हो, तो मैं ढूंढ रही हूँ इस तरीके का दुपट्टा मुझे कुछ मिल जाए तो उसको मैं अपनी कुर्ती के साथ भी स्टाइल कर सकती हूँ और इसके साथ भी स्टाइल कर सकती हूँ। और वैसे तो मेरे पास है कुछ दुपट्टे जिनके साथ मैं इनको स्टाइल करती हूँ, बट आई एम अगेन अ सर्चिंग कुछ इस तरीके से मिलता जुलता मुझे दुपट्टा मिल जाए। सो गाइस ये है इसका कुर्ता, आप देख सकते हैं। और ये भी मेरी शादी के ही टाइम का है, बट मैं इसको पहन करके बोर नहीं हुई हूँ। हाँ, जब बहुत बोर हो जाती हूँ तो रख देती हूँ, और फिर अगेन जब बहुत दिनों के बाद मूड होता है तो फिर पहन लेती हूँ। सो इसको मैं फ़िलहाल तो रेड प्लेन दुपट्टे के साथ मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ, बट मैं सर्च कर रही हूँ कुछ इस तरीके के मल्टी कलर दुपट्टा अगर मुझे मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छा मिक्स एंड मैच हो जाएगा इसके साथ। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वर्क ना हो, बट कुछ हल्का लाइट सा वर्क हो तो इसके साथ बहुत ही अच्छा मिक्स एंड मैच हो जाएगा। उसको मैं डिफरेंट तरीके से और बहुत सारे तरीके से मिक्स एंड मैच कर सकूँगी, कुर्ती के साथ, अपने स्कर्ट के साथ। सो इस तरीके से आप भी अपने दुपट्टे को 3 से 4 तरीका मैंने आपको बताया कि आप ब्लाउज़ बनवा सकते हैं, कुर्ती बनवा सकते हैं, केप बनवा सकते हैं, स्कर्ट बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने फेवरेट दुपट्टे को रीयूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, यू नो लेयरिंग कुर्ता बनवा सकते हैं, अपने ब्लाउजेस में कुछ यू नो डिज़ाइन स्टिचिंग करवा सकते हैं। गाइस आपको कैसी लगी मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स, और आप ज़रूर फॉलो करिएगा, और कौन सी ट्रिक्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ मुझे फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ मैं बहुत सारे स्नीक पीक और यू नो अच्छे अच्छे पिक्चर्स वगैरह लगाती रहती हूँ। सो वहाँ आप मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।